भारत और वेस्टइंडीज सीरीज शुरू होने से पहले टीम के साथ जुड़ गया है ये दिग्गज बल्लेबाज, जो कि मॉनिटर करेगा हर एक परफॉर्मेंस टीम की, और जिसने अपने वक्त में इतने रन्स बनाए हैं या कह सकते हैं इतना एक्सपीरियंस है उस दिग्गज बल्लेबाज को कि टीम के साथ अपना एक्सपीरियंस पूरे तरीके से शेयर कर सकता है, जो यानी कि टीम की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टइंडीज टीम की, क्योंकि टीम के साथ अब एक ऐसा बल्लेबाज जुड़ने जा रहा है जो टीम को बताएगा, यानी कि टीम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, सब चीज़ें अन्य तरीके की शेयर करेगा कि आपको कैसे लड़ना चाहिए, यानी कि बेसिकली टीम के एटीट्यूड और टीम का जो आत्मविश्वास जो आजकल कम चल रहा है वेस्टइंडीज़ का, उस पर काम करेगा। यानी कि ब्रेन लारा जुड़ रहे हैं वेस्टइंडीज़ टीम के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं कि जुड़ गए हैं वेस्टइंडीज़ टीम के साथ भारत और वेस्टइंडीज़ सीरीज़ से पहले, यानी कि जो टेस्ट मैच सीरीज़ भी वो मॉनिटर करेंगे, वनडे के वक्त भी टीम के साथ वो रहेंगे, लेकिन मॉनिटर वो करेंगे क्या, मॉनिटर वो करेंगे हर एक चीज़, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, यानी कि और एटीट्यूड, सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को यहाँ पर वो मॉनिटर करेंगे, यानी कि वेस्टइंडीज़ टीम का एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में वेस्टइंडीज़ टीम का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर गया, डिक्लाइन आ गया उनके एटीट्यूड में, क्योंकि लगातार शिकस्त मिल रही है, लगातार हार पे हार मिल रही है, और वैसी टीम भी नहीं रही है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनका बड़ा नाम है वो अपनी टीम के साथ खेलना ही नहीं चाहते, टीम में मौजूद ही नहीं होना चाहते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कैरिबियन जो क्रिकेट बोर्ड है, यानी कि वेस्टइंडीज़ का जो क्रिकेट बोर्ड है वो यानी कि पैसे ज़्यादा नहीं देता, राशि इनको ज़्यादा नहीं देता, सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं देता, इस वजह से वो टीम के साथ नहीं जुड़ते हैं। बड़ा मुद्दा तो यही है, चाहे वो कहें या ना कहें, पर लेकिन अगर आप बात करें फ्रेंचाइजी क्रिकेट, आईपीएल वगैरह, बिग बैश लीग और इतनी बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट चल रही है, टूर्नामेंट चलते हैं, वहाँ पर इनको पैसा ज़्यादा मिलता है, तो उसकी तरफ वो ज़्यादा एक आकर्षित है, तो इस वजह से पूरे तरीके से वेस्टइंडीज़ क्रिकेट में डिक्लाइन आ चुका है, और बड़े बड़े जो दिग्गज प्लेयर्स थे बाकी सब, उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, वो तो रिटायरमेंट ले चुके, लेकिन अब क्या, क्योंकि अगर आप देखें वेस्टइंडीज़ क्रिकेट को, अभी अभी वो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफायर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 48 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वेस्टइंडीज़ की टीम यहाँ पर वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर नहीं कर पाई, और ये सबसे बुरी बात है वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के लिए, एक वक्त पर एक ऐसी टीम जो अच्छे अच्छों को पछाड़ के रख देती थी, वो टीम यहाँ पर जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रही, और जो है अपने से छोटी टीम, अपने से छोटी ताकत वाली, कम ताकत वाली, या कह सकते हैं अपने से छोटी दर्जों वाली टीम से हार रही हैं वेस्टइंडीज़ क्वालिफायर्स जो चल रहे थे राउंड में, तो कुछ ना कुछ कहता है, क्योंकि आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट चुका है, लगातार अब यहाँ पर उनको भारत को टक्कर देनी पड़ेगी, नहीं तो भारत की टीम अभी फिलहाल ऐसी है कि वो सिंगल हैंडेडली वेस्टइंडीज़ को बहुत आराम से हरा सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेन लारा टीम के साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, हर एक चीज़ छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पर वो मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की गलतियाँ हो रही हैं टीम के साथ, और यहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस टीम को करना चाहिए, एटीट्यूड में क्या बदलाव आना चाहिए, कॉन्फिडेंस में क्या कितना उनको आगे बदलाव आना चाहिए, कॉन्फिडेंस कितना आगे चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।